हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यस, यहाँ आज डेट है 16 अगस्त एंड डे है संडे। एंड गाइस, यहाँ पर 9:30 बज रहे हैं एंड मेरे हाउस क्लीनिंग पूरी हो चुकी है। पूरा घर साफ हो चुका है, झाड़ू पोछा सब हो चुका है। यस, वहाँ पे उस रूम में दिया जल रहा है, हस्बैंड ने पूजा कर ली है, सो मंदिर का दिया जल रहा है। मैं यही बता रही हूँ, सब रूम साफ़ हो गए, हॉल क्लीन हो चुका है, पूरा हाउस क्लीनिंग का काम हो चुका है। यस, एंड ये हस्बैंड जी सैंडविच यस हाँ सैंडविच लेकर आए हैं, बहुत ही यम्मी टेस्टी बनाई थी। इन्होंने बोला कि तुम हाउस क्लीनिंग का काम कर रही हो तो चलो मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर देता हूँ। और इन्होंने सैंडविच कुछ अलग तरीके से बनाई थी, मीन्स कि अलग तरीके से ये कि इन्होंने चीज़ वगैरह डाल के खूब टेस्टी यम्मी बनाई थी। तो बस अब वही ब्रेकफास्ट के रेडी के लिए रेडी तो है ही, बस रेडी हमको रेडी होना बाकी है। तो अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट लेने। तो यहाँ पर बस यही बोल रहे थे कि देखो अभी चीज़ बहुत गरम है, फटाफट इसको मतलब खा लो, नहीं तो फिर क्या होगा, चीज़ ठंडी हो जाएगी तो तुमको बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगा। वो वाकई बात सही है, जब चीज़ की ये कह रहे थे देखो ये अभी चीज़ एकदम गर्म है, ये देखो तुमको पिज़्ज़ा वाला एहसास दिलाया मैंने मतलब घर पे देखो मैं तुम्हें पिज़्ज़ा बना के खिला रहा हूँ। यस गाइस, मैं पिज़्ज़ा को भी बहुत मिस करती हूँ। मतलब वहाँ पर रेस्टोरेंट में जाके बैठ के खाने की बात अलग होती है, घर पे वो बात नहीं बन पाती है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी क्या है मुझे नहीं पता। सो बस लंच हो गया। अब मैं अपने किचन में हूँ इस टाइम एंड मैंने उस वाले गैस पर दाल चढ़ाई है। मैं यहाँ पर आई हूँ, इस तरफ मैं चढ़ाऊंगी सब्जी आलू बीन्स की। यस, ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है एंड अभी टाइम कितना हो रहा है, टाइम काफी लेट हो गया है। ओह माय गॉड, अभी टाइम हो रहा है, सॉरी मैसेज आ गया था, मैं वो रीड करने लगी। अभी टाइम हो रहा है 1:00 हो रहा है। अभी मुझे लंच बनाने में आज थोड़ा लेट हो गया, बट कोई बात नहीं, स्टिल मैं जल्दी जल्दी फटाफट बनाऊंगी। ओह माय गॉड, मैसेज आ रहा है, एक मिनट, मैसेज आ रहा है, मैं जरा उसे। यस गाइस, एंड मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी अपनी एंड जैसे मैंने आपको बताया था बगल में दाल है, दाल हो गई है, स्टीम पूरी उसकी आ चुकी है, 3 विजल भी लग चुकी हैं। एंड ये रही मेरी, मैंने ऑयल पे कढ़ाई पे ऑयल डाला है एंड अब मैं इस पर जीरा डालूंगी। सब्जी बनाने जा रही हूँ मैं आज, डियर बनाने जा रही हूँ, बीन्स की सब्जी। यस, मुझे हल्की हल्की ऑयल में फ्राई रहती है बीन्स, बहुत अच्छी लगती है। सो गाइस, जैसे मैं पसंद करती हूँ मैं वैसे ही बना रही हूँ एंड मेरे बनाने का स्टाइल भी हमेशा सेम तरीका तो नहीं होता, बट क्या है कि जैसा मुझे पसंद है मैं वैसा ही बनाती हूँ। अब मुझे ये नहीं है कि इसको ऐसे ही बनाई जाती है, ऐसा कुछ नहीं मेरे साथ, जैसा मुझे पसंद है मैं वैसे ही करती हूँ। सो गाइस, मुझे ये सब्जी ऐसे ही बहुत पसंद है, ऑयल में फ्राई पसंद है, क्योंकि मैं इसको राइस के साथ लूंगी और लिक्विड में मेरे पास दाल रहेगी तो मैं इसको केवल कलहारते हैं ना जिसको बोलते हैं, बस लाइक वैसे ही। मेरी दाल रेडी हो चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ। यस, एक मिनट, कॉल आ गया। यस, ये देखिए, उस टाइम सॉरी गाइस कॉल आ गई थी, तो जरूरी कॉल थी, सो अटेंड करनी थी मुझे। एंड ये देखिए, ये मेरी दाल। यस, ये मसूर की दाल है एंड दाल हो चुकी है एंड मैंने राइस चढ़ाया है, सब्जी भी चढ़ा चुकी हूँ। यस, एंड ये देखिए, ये चढ़ाई है मैंने, अब मैंने इसमें राइस चढ़ा दिया है एंड आपके सामने देखा था आपने सब्जी, मैंने पहले ही आपके सामने ही इसको चढ़ाई है, सब्जी बस होने वाली है अभी, दो ऑलमोस्ट 2-3 मिनट और लगेंगे, बाकी पूरा
मतलब कि लंच हमारा रेडी हो गया। अब मैं फट से काट लेती हूँ सैलेड। सो गाइस चलिए एक बार अपनी सब्जी देख लेते हैं, आलू बीन्स की सब्जी। टैंग टैंग, यस आई लव इट। ये देखिए मैं बस इतना ही इसको कुक करूँगी, बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। बीन्स को कभी भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं पकाती हूँ, और मुझे नहीं पता कि आप लोग कैसे बनाते हैं, बट मैं तो ऐसे बनाती हूँ, ज़्यादा इसको वो नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी कुक हो चुकी है ये। एंड अब मैं ज़्यादा करूँगी तो जो इसका ग्रीन कलर है ये ब्लैक में बदल जाएगी। सो मैं इसको ज़्यादा सेमी कुक मेरे लिए बहुत है, और ये वैसे ही पकी चुकी है, ये देखिए आप। तो बस अब इसको मैं ढक देती हूँ, इसके लेड लगा देती हूँ, उसके बाद फिर यस। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूबर साधना सोनी हैप्पी विद सिंपल लाइफ। एंड यस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड अभी आपको मैं बताऊं टाइम कितना हो रहा है। ओ माय गॉड, ये देखिए 2:10 हो रहे हैं, मीन्स 2 बज चुके हैं। एंड यस, मेरा लंच भी कंप्लीट है पूरा, जैसे मैंने बनाया राइस सब्जी एंड दाल पूरा कंप्लीट है। तो एंड सैलेड भी मैंने कट कर लिया था, कट करके मैंने फ्रिज पे रखा है, अभी लंच के टाइम में निकालूंगी। एंड तो चलिए फिर पहले लंच कर लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। यस गाइस, मैं आ चुकी हूँ किचन में, एंड मैंने लंच रेडी कर लिया था जैसे आपको बताया था। सो अभी मैंने लंच लगा लिया है, तो चलिए फिर पतिदेव बच्चे सब वेट कर रहे हैं लंच का, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने लंच लगाया है। यस, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने सैलेड से। यस, ये मैंने बनाया है सैलेड, इसमें कुकुम्बर है, लेमन है एंड चिली है, एंड इसमें मैंने ब्लैक सॉल्ट डाल रखा है। टेन टेन, यस ये है, ये राइस है, राइस दाल एंड ये जो सब्जी मैंने बनाई है बीन्स आलू टमाटर की, एंड ये है दही, ये कर्ड है दही में हमने, ये ऐसे सादा पसंद करते हैं, ना इसमें शुगर होनी चाहिए ना इसमें ब्लैक सॉल्ट, कुछ नहीं, केवल सिंपल है। यस, एंड ये वाली मेरी प्लेट है, राइस दाल आलू बीन्स की सब्जी टमाटर की, एंड ये दही है। सो इसमें मैं अभी थोड़ी सी शुगर ऐड करूँगी, क्योंकि मेरे साथ बच्चे खाते हैं, बच्चे को अगर अलग देते तो वो खाते कम है, पूरी जगह गंदी कर देते, तो सो मैं उनको अपने साथ ही लेकर बैठती हूँ, अपने साथ ही खिलाती हूँ, लंच वगैरह सब मेरे साथ ही करते हैं बच्चे मेरे, पता नहीं क्यों। अगर मैं उनको अलग प्लेट लगा दूँ ना, वो फिर भी मेरे ही पास आके खाना खाना पसंद करते हैं। सो मैंने फिलहाल तो अपना चारों का लगा लिया है, तो चलिए अब मैं लंच करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे लंच के बाद। तब तक के लिए बाय बाय। नो नो नो, बाय बाय नहीं, मतलब अभी मिलती हूँ। हेलो गाइज, यस मेरा लंच फिनिश हो गया है, लंच हमने कर लिया है। एंड आप अभी टाइम हो रहा, देखिए 3 बजने वाले हैं, 15 मिनट बाकी है, और मैं आपको बाहर का अपने बाहर का व्यू कराती हूँ। जयपुर में बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है सच में यार, अगर सब कुछ अगर ठीक ठाक होता ना, ऐसा लग रहा है कि बस लॉन्ग ड्राइव में जाने वाला मौसम है। देखिए मैं अपनी खुले छत में हूँ, इतना प्यारा। एक मिनट रुकिए, मैं आपको फ्रंट कैमरा का, सॉरी बैक कैमरा का, ये देखिए गाइस कितना प्यारा मौसम हो रखा है ना, ऐसा मन हो रहा है कि बस बाहर ही बैठे रहो। 3 बज रहा है और देखिए कितना प्यारा हो रखा है जयपुर का मौसम, देख रहे हैं आप? सी गाइस कितना प्यारा है यार, बहुत प्यारा मौसम हो रखा है, पूरा अंधेरा अंधेरा, बस लॉन्ग ड्राइव पे जाने का मन कर रहा है सच में। एंड गाइज मैं बाहर ही बैठी हूँ, मेरे देखिए कैसे पिंपल हो रहा है, खैर ठीक हो जाएगा कोई बात नहीं। एंड मैं भी बाहर ही बैठी हूँ गाइज, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, हवा चल रही ठंडी ठंडी, एंड धूप तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, बहुत प्यारा मौसम हो रखा है।
एंड बस कोरोना काल अगर ना कोरोना काल ना होता ना तो कहीं बस लॉन्ग ड्राइव में जाते इनके साथ घूमने, बहुत अच्छा लगता है, सुहावने मौसम का मजा लेते। बट कोरोना ने सब ऐसा तैसा कर दिया, हर बात में कोरोना के ऊपर हर बात में गुस्सा आता है मुझे तो। एंड मैं ये बोल रही थी गाइज, आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करिए, क्योंकि जितने लोग देखते हैं ना वो ना उसको बिना सब्सक्राइब करे ही देखते हैं, तो गाइज प्लीज़ ऐसा मत किया करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए उसके बाद फिर देखिए आराम से। इससे क्या होगा कि फिर मैं नेक्स्ट वीडियो कोई अगर बनाती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक कैसे आएगा बताइए, तो इसलिए आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। एंड कैसी लग रही हूँ मैं आज बताइएगा ज़रूर, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। एंड मैं ये कह रही थी लंच भी हो गया है एंड अब थोड़ी देर आराम करते हैं क्योंकि 3 बज रहे हैं जैसे मैंने आपको दिखाया। एंड मौसम तो बहुत ही प्यारा है, मौसम के तो क्या कहने, बहुत ही प्यारा हो रखा है। एंड तो चलिए मैं फिर अंदर चलती हूँ, थोड़ा रेस्ट करते हैं आराम करते हैं। एंड अगर मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड ढेर सारे लाइक दीजिएगा, ढेर 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 सारे लाइक दीजिएगा एंड प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, प्लीज़ चैनल को गाइस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, ढेर सारे लाइक दीजिए। तो मैं सोच रही हूँ उठती हूँ यहाँ से, गाइस ये देखिए मेरी तुलसा जी, ये है मेरी तुलसा जी, मैं इनको बहुत छोटी सी लेकर आई थी और अभी ये ऐसी हो गई है, बड़ी हो गई है। कहते हैं ना जन्माष्टमी में आने से पहले पहले तुलसा जी खूब हरी भरी हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं मतलब। तो देखिए मैंने जन्माष्टमी से पहले लिया था एंड ये बहुत इतनी छोटी सी थी और अभी देखिए कितनी अच्छी हो गई है। एंड ये तो सो प्लांट है गाइस, सो प्लांट है, अच्छा है, प्यारा सा है, मुझे अच्छा लग रहा था। एंड ये मेरे मोगरा का प्लांट है, मोगरे का फूल होता ना उसी का प्लांट है ये। अभी ये बीच में बहुत सुंदर सुंदर फूल आ रहे थे इसमें, वाइट वाइट, एंड सडन पता नहीं क्या हुआ कि इसमें फूल ही नहीं आ रहे अब, क्योंकि लीव तो सब ग्रीन हो रखी है फिर भी पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। खैर कोई बात नहीं, आ जाएंगे, बारिश का मौसम है, देखिए ना मौसम अभी बहुत प्यारा है। एंड ये मेरा सो प्लांट है एंड आई डोंट नो उसमें क्या हो गया यार, करी पत्ता था इतना अच्छा था ना, अब ऐसा हो रखा है, मुझे लगता होएगा शायद क्योंकि अभी भी इसका जो ये है ना ये ग्रीन हो रखा है तो शायद होगा। यस गाइस अब मैं अंदर आ चुकी हूँ, पता अंदर भी इतना अंधेरा हुआ था कि मुझे वो ट्यूब जलानी पड़ी, वो ट्यूब आई तो मैं एकदम अंधेरा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ शायद बारिश होगी क्योंकि मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है, जैसे मैंने आपको व्यू दिया बाहर का। एंड गाइस पता है क्या हुआ कि कल रात ना मैं ना दो, वैसे तो मैं डेली 1:30-2 बजे के आसपास ही सोती हूँ पर कल ना 2 से भी ऊपर मतलब टाइम हो गया था, वीडियो की एडिटिंग करते करते बहुत टाइम हो गया गाइस, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, पता जब लाइक मिलते हैं ना तो बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा और भी काम करने का मतलब दिल करता है, मन करता है, बहुत खुशी होती है। तो गाइस प्लीज़ ढेर सारे लाइक दिया करिए क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा। कल रात को पता है 2 बज गए थे मुझे सोते सोते, वीडियो की एडिटिंग के बाद अपलोडिंग बहुत टाइम लगता है। हेलो केशव, आप कैसे हो, आपके हाथ में क्या है, ये टूथपिक, ये टूथपिक है, आप क्यों लिए हो, क्योंकि आपके क्या है, मैं क्या करती हूँ टूथपिक का तो अच्छा आप... अरे नहीं आप ही बताओ कि आपने लंच किया, लंच कर लिया और जब अभी याज खाया, याज और कट कट और अभी पानी और अभी
चलो ठीक है, अच्छा जाओ रेस्ट करो, जाओ आराम करो पापा के साथ में। अच्छा बाय बोल दो, बाय बाय, सबको बोलो बाय, टेक केयर। तो गाइस बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो प्लीज 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 आप प्लीज लाइक किया कीजिए गाइस, प्लीज लाइक किया कीजिए। एंड अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो बनाऊंगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, ढेर सारे लाइक कीजिए। एंड करती हूँ एंड मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। सो तब तक अपना ध्यान रखिएगा अब, और अपना ख्याल रखिएगा एंड अपनों का ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा एंड बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में पक्का, बाय। एंड प्लीज 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 लाइक कीजिए प्लीज।